आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से 2019 से लेकर 2024 तक के जो सारे इंपॉर्टेंट आपके जो नीक केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और सेम पैटर्न के ऊपर ही आते हैं। आपसे पूछा गया, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी कि जो आपका फिनॉल है उसमें ऑर्थो पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा होता है, तो यहाँ पर तो मेटा पे लगा है, यहाँ पर आपका दोस्तों ऑर्थो पे लगा है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये मिल रहा है करेक्ट आंसर, आपको बताना है करेक्ट शीट में आपको बताना है BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि BF3 आप देखें तो BF3 का आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो आप देखें तो ये आपका कट जाते हैं सारे डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसका जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इसके बाद हम बात करें कि NF3 का NH3 से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। NF3 की अगर हम बात करें तो सारे डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, लेकिन NH3 में सारे डाइपोल मोमेंट आपके एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए NH3 का ज़्यादा होता है। तो जो बी है वो आपका दोस्तों इनकरेक्ट है। इसके बाद 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CH3 2- आयन, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट, ये दोस्तों आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप CO3 2- को देखें तो सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O-, तो यहाँ पे मैं 3 बार एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे सकता हूँ, तो यहाँ पर आपके 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे, तो सी आपका सही हो गया। इसके बाद है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉर ओजोन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ओजोन है, ओजोन में दोस्तों मैं सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पैरामैग्नेटिक कौन सा है। पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एक दोस्तों बहुत शानदार एग्जांपल आपका होता है पैरामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का बहुत ही शानदार एग्जांपल आपको मिलता है दोस्तों ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन H2Li2 और C2 आपके क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, BRF5 कैसा होता है। तो BRF5 दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, BRF5 दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है और sp3d2 इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो SF4 में और BRF5 में आपको मिलेगा एक लोन पेयर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि BRF5 अगर मैं बनाऊं तो ये पहले ये आपका पूरा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ये आपका पिरामिड बनेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बनेगा, वैसे ही SF4 अगर मैं बनाऊं तो ये आपका बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तो इसमें भी आपका एक ही लोन पेयर हो जाएगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CLF3 में आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे, XeF4 में तो ठीक है, लेकिन CLF3 में आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर BRF5 में दोस्तों आपके कितना, 1 लोन पेयर है, XeF4 में आपका दोस्तों आपके 2 लोन पेयर आपके हो जाएंगे, XeF4 में आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किस में, ये आपका रीनीट 2024 का क्वेश्चन है। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किस में आएगा, HI में आएगा, क्योंकि I आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी तरफ आपका डाइपोल मोमेंट आपका आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CCl4, CO2 और BF3 में क्या होगा, नॉन जीरो होगा, CO2 तो लीनियर है, BF3 मैंने आपको बताया वो आपका प्लेनर है, CCl4 भी आपका लगभग आपका उसमें नॉन जीरो डाइपोल, लगभग उसमें जीरो डाइपोल ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है, ये दोस्तों आपको 2023 का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बतानी दैट डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के अराउंड आपके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर आउटर मोस्ट सेल में नहीं है। तो NH3 की अगर मैं बात करूं तो NH3 में दोस्तों ये उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही हो गए, एक लोन पेयर है तो 8 इसमें है, तो ये दोस्तों आपका नहीं गिनेंगे हम, AlCl3 आ जाएगा, BeCl2 भी आ जाएगा, PCl5 भी आपका आ जाएगा, क्योंकि PCl5 में 10 है, BeCl2 में 4 है और AlCl3 में 3 है, 6 है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CCl4 में आपके
कार्बन की चारों वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं आसपास। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, तो डाइपोल मोमेंट आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आप देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से, तो आप देखें तो HF में जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर HF जो है सबसे आगे आ जाएगा। इसके बाद ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप NH3 में जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सल्फर के कार्बन से ज़्यादा, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दिया है आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है, तो आपका ये 2023 का क्वेश्चन है। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लिया, ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जो आपकी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग आपकी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसके पास नोड होते हैं न्यूक्लियाई के बीच में। इसके बाद इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द वेव्स री इन्फोर्स ईच अदर, ये आपका सही स्टेटमेंट है। बॉन्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वेव है एक दूसरे को री इन्फोर्स करती हैं। इसके बाद अगला दिया है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स चेंज फ्रॉम 2px एंड 2py आर सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। 2px कुछ आपकी x में बनेंगी, 2py आपकी y में बनेंगी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है बॉन्ड एक्सिस में, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डी है अब पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका सही स्टेटमेंट है। पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, ऊपर और नीचे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है, ये आपको दोस्तों 2022 का क्वेश्चन है, ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, तो O2 प्लस में क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, O2 में आपका 16 होगा और प्लस है तो माइनस 1 करेंगे 15, ये दोस्तों नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया और नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें डायमैग्नेटिक दिया है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर दिया है, तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिन के कर सकते हैं, तो 2, 2.5, 3.5, 3.5, 2, 1.5 और 1, तो आप यहाँ पर देखें, तो अब O2 प्लस का देखें तो O2 16 माइनस 1 15, तो उसका 2.5 सही दिया है। O2 का 16 तो 2 ये आपका सही दिया है। O2 माइनस का 17 तो 1 ये 1.5 ये आपका सही दिया है। O2 2 माइनस का आपका 18 तो ये 1 आपका सही दिया, तो ये आपका सही हो गया। इसके बाद C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ए 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका सही स्टेटमेंट है। C2 में कितने हो जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, तो 2 में 12 हो जाएंगे, और तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पाई ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे, ये आपका सही है। H2 प्लस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, H2 प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्सन किसमें होगा, 2020 का ये क्वेश्चन है, तो जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसके पास ज़्यादा रिपल्सन होगा। XeF2 में अगर मैं बनाऊँ तो 3-3 लोन पेयर बच गए, क्योंकि वैलेंस सेल में इसके 8 होते हैं Xe के, तो 3-3 बच गए, तो ज़्यादा लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये दिया है, CO2 2- के बारे में क्या ट्रू है, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, तो इनके इट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, SP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। इसके बाद आउट ऑफ 3 CO बॉन्ड 2 आर लॉन्गर एंड 1 इज शॉर्टर, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तीनों जो बॉन्ड है लगभग सेम बराबरी के हो जाते हैं, सेम इक्वल लेंथ पे आपके हो जाते हैं। इसके बाद 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इसमें 3 पाई बॉन्ड कहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद ऑल 3 CO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ विद अ बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2, ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रेजोनेंस चलता है तो सारे जो CO बॉन्ड है इक्वल इन लेंथ और 1 से 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, 2022 का क्वेश्चन है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है दोस्तों उसकी बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो N2 आपका आएगा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है तो N2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद O2 आएगा, उसके बाद O2 2 माइनस और O2 माइनस में किसका ज़्यादा होगा, O2 2 माइनस का आपका दोस्तों 1 होता है, O2 2 माइनस का आपका दोस्तों 1 होता है, इसका O2 माइनस का 1.5 होता है, तो ये पहले आएगा, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये आपको दिया है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, 2022 का ये क्वेश्चन है, तो आप देखें तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन से ही कर सकते हैं। CO2 क्या है, CO2 आपका लीनियर है, CO2 आपका लीनियर तो 180 डिग्री हो गया, तो ये सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद NH4 प्लस आएगा, उसके बाद NH3 आएगा, उसके बाद H2O आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के
दोस्तों सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसके पास आपका लोन पेयर होगा उसका उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। NH3 के पास लोन पेयर है, NH4 प्लस के पास नहीं है, तो इसलिए NH4 प्लस का ज़्यादा होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है आपको मैच करने, इसी साल का ये क्वेश्चन है, इसी साल का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2022 में भी आया था। NH3 आप जानते हैं क्या होता है, NH3 आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, तो ए का 3 आपका हो जाएगा। के बाद CLF3 बहुत फेमस है दोस्तों, आपका ये टी सेफ होता है, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद PCL5 आपका क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, सी का 2 हो जाएगा। BRF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है, डी का 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है, ये कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो Mn2+ Mn का एटॉमिक नंबर 25, Fe का 26, तो इसमें देखें तो 25-2 = 23 आएगा, 26-3 = 23 आएगा, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Fe2+ Fe का कितना है, 26, तो 26 का Fe2+ आपका 24 आ जाएगा, Mn2+ आपका 25-2 = 23 आ जाएगा, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें तो O2- ऑक्सीजन है 8+2 = 10, और ये आपका F- तो 9+1 आपका 10, यहाँ भी सही हो गया। Na+ एंड Mg2+, तो Na तो आप जानते हैं 11-11-1 = 10, और Mg2+12-2 = 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है, नॉन पोलर कौन सा है, 2022 का क्वेश्चन है, नॉन पोलर कौन सा, तो नॉन पोलर में आपको ध्यान रखना है SbCl5 आपका नॉन पोलर है, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है, पूरे सेट के पास आपका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, पूरे सेट के पास आपका आपका जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो हम पहले ढूंढ लेते हैं किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो हमें देखना जीरो डाइपोल मोमेंट, तो जिसके पास नॉन जीरो है उसको हम हटा सकते हैं। NF3 का आपका नॉन जीरो होता है तो इसको हटा सकते हैं, अमोनिया को आप हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो हमको 1.3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1.4 डाइक्लोरोबेंजीन में देखना है। अगर मैं 1.4 बनाऊँ तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये आपका जीरो डाइपोल मोमेंट आपका आ जाएगा, लेकिन 1.3 में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, मैच करना है तो आप दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं, BO आपकी मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है, बी का 1 हो जाएगा, Al2O3 आप बहुत पहले से तैयार हैं, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, Cl2O7 आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक का, डी का 3 हो जाएगा, CO आपके न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एसिडिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल डैट कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका दोस्तों आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, Hg2 आप जानते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा, Hg2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद अगला दिया है, किसके पास दोस्तों लीनियर स्ट्रक्चर होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि N2O के पास आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, N2O के पास आपका दोस्तों लीनियर स्ट्रक्चर आपका होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है, आपको हाइड्राइड के दोस्तों डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में लगाना है, तो अब आप दोस्तों बॉन्ड एंगल देखें तो आपका बॉन्ड एंगल आपको एक और बात ध्यान रखना है, जो आपकी सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वही आपकी बॉन्ड एंगल का भी होगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड एंथैल्पी दी है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं सबसे ज़्यादा होता है, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा बी का थ्री हो जाएगा। इसके बाद देखें तो O2 में देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसके बाद आपका सी है, सी में भी आपका 2 है बॉन्ड ऑर्डर, तो अब आप यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन का आपका इसके बाद जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी ज़्यादा होगी, तो डी का आपका दोस्तों टू हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दोस्तों आपका 435.8 आता है, HCl का थोड़ा कम हो जाएगा, 431 हो जाएगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आपका नाइट्रोजन का एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 14 में ऐसा होता है कि बीच में σ2PZ आ जाता है, π2PX π2PY और π*2PX π*2PY के बीच में, तो आप देखें तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, σ1S σ*1S σ2S σ*2S π2PX π2PY σ2PZ π*2PX π*2PY और σ*2PZ। तो इसके बाद दोस्तों अगर
अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं आप देख सकते हैं नीचे के प्लेलिस्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।